गुड इवनिंग। टुडे वी विल लर्न अ न्यू लेसन एंड इट इज शिम्बा फ्रॉम क्लास सिक्स बुक। डेजी यूनिट 4A। सिम्बा Simba is a Swahili folk tale written by Roald Dahl, written by is और V3 लगाया गया है, मतलब present simple present tense का ये passive voice है। Simba मेरा subject हो गया, is रिटर्न मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है। ए स्वाहिली फोल्क टेल है, फोल्क जो गांव देहात में बोला जाता है कहानी वो है। एंड स्वाहिली एक रीजनल लैंग्वेज है। इट इज अबाउट सिम्बा, इट मेरा प्रोनाउन है और इज मेरा लिंकिंग वर्ब यहाँ पर हो रहा है। अबाउट बारे में एडजेक्टिव है, सिम्बा के बारे में है। यह सिम्बा है क्या, इसके बारे में बता दिया जा रहा है ब्रैकेट में डाल के। पॉपुलर नेम फॉर लायन इन ईस्ट अफ्रीका मेरा देश है। इन कंपैरेटिवली ये बहुत बड़ा देश होगा, इसलिए इन प्रीपोजिशन लगाया गया है। लाइन मेरा नाउन है, फॉर मेरा प्रीपोजिशन है। एंड पॉपुलर नेम कैसा है, ये नाउन है तो नेम के बारे में बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए पॉपुलर मेरा एडजेक्टिव हो गया। प्रसिद्ध नाम है शेर का, कहाँ, ईस्ट अफ्रीका में। वंस एक बार यानी कि ये एडवर्ब है, वंस एडवर्ब है, एडवांस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे, वंस ट्वाइस ये सब। ए सिम्बा एक शेर, स्वाहिली लैंग्वेज में हम लोग सिम्बा को क्या बोल रहे हैं, लायन को बोल रहे हैं सिम्बा। ए सिम्बा मीन्स एक लायन। इंटर्स, चूंकि लायन मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भर में एस या ईएस लगता है। ए सिम्बा इंटर्स द हाउस, घर में घुसता है। एंड ग्रेप्स और पकड़ लेता है, एंड मेरा कंजक्शन दिया जा रहा है, ग्रेप्स पकड़ लेता है, किसको पकड़ता है भाई, द कुक्स वाइफ। कुक मेरा पॉसेसिव नाउन है और वाइफ मेरा नाउन है, तो कुक की पत्नी को ग्रैब पकड़ लेता है, कहाँ, घर में घुसकर। इंटर्स द हाउस, घर में घुसता है और पकड़ लेता है। इन इट्स जो मतलब जबड़ा। इट्स मेरा क्या क्या हो गया, इट्स मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अपने जबड़े में पकड़ लेता है। लेट्स सी, अब हम लोग देखते हैं। व्हाट क्या, कोज अफरा तफरी इट क्रिएट्स, यह उत्पन्न करता है। एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट मतलब अगला, हैपेन माने होना, और आगे क्या होता है इस पर हम लोग देखेंगे। द सैनफोर्ड हाउस ये मेरा नाउन हो गया, सैनफोर्ड हाउस मेरा नाउन हो गया, वाज था। ऑन मेरा प्रीपोजिशन हो गया, इसका पोजीशन को दिखा रहा है, किसका पोजीशन को दिखा रहा है, सैनफोर्ड हाउस के पोजीशन को दिखाया जा रहा है। ऑन ए हिल पहाड़ी पर था, पास्ट टेंस में है। आउटसाइड द टाउन शहर के बाहर एक पहाड़ी पर था, क्या था भाई, सैनफोर्ड हाउस। ऑन द बर्नड अप प्लेन इटसेल्फ, ऑन द बर्नड अप प्लेन इटसेल्फ, कोई मैदानी भाग है, कोई मैदान है और वो जला हुआ है, इटसेल्फ स्वयं से जल गया, यानी कि धूप नेचुरल वे में जल गया है। देयर ग्रीव वहाँ पर उगते हैं, देयर ग्रीव
देयर ग्रीव से मेरा मतलब है देयर वहाँ, ग्रीव उगता है, क्या हो रहा है देयर ग्रीव, क्या उग रहा है नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं उगता, उगता ग्रीव। बट दोज बेयर स्पाइकी थॉर्न ट्रीज, पेड़ तो हैं कांटीले, और कैसे कांटीले चुभने वाली, बेयर मतलब केवल, बट दोज बेयर केवल वे स्पाइकी चुभने वाले कांटे थॉर्न ट्रीज पेड़ उगते हैं। दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, जो यू फाइंड जो तुम पाते हो ऑल ओवर ईस्ट अफ्रीका, ऑल ओवर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं अक्रॉस अफ्रीका भी लिख सकते हैं, होल अफ्रीका भी लिख सकते हैं, पूरे अफ्रीका में जिसको हम लोग पाते हैं। वी सेट देयर, सेट वी टू है, सीट का सेट होता है, हम लोग बैठ गए देयर वहाँ। वाचिंग और क्या कर रहे थे, देख रहे थे क्या द सन सूर्य को, गो डाउन नीचे जाते हुए, बिहाइंड पीछे यानी कि नीचे जाते हुए किसके पीछे देख रहे थे, बिहाइंड द फ्लैट डाउन प्लेन, जो मैदान था वो फ्लैट समतल था ही लेकिन कुछ ढलान था, वहाँ पर हम लोग देख रहे थे सूर्य को नीचे जाते हुए। दैट वॉज कवर्ड, वह ढका हुआ था विथ थॉर्न ट्रीज, दैट वॉज कवर्ड जो ढक रहा था किससे, थॉर्न ट्रीज कांटेदार पेड़ों से ढक रहा था, सडनली अचानक ही। एडवर्ब हो रहा है द वॉइस ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की आवाज, येलिंग चिल्लाने की आवाज, कैसा आवाज, वॉइस ऑफ ए मैन एक व्यक्ति की आवाज, और कैसा, येलिंग चिल्लाते हुए एक व्यक्ति की आवाज इन द स्वाहिली, स्वाहिली लैंग्वेज में, भाषा में, एक्सप्लोडेड फूट पड़ा द क्वाइट ऑफ द इवनिंग, शांत शाम के वक्त में एक व्यक्ति की आवाज, जोर से चिल्लाने की आवाज, वो भी स्वाहिली भाषा में फूट पड़ी। इट वॉज माई बॉय, यह मेरा लड़का है था, सॉरी इट मेरा प्रोनाउन हो रहा है, मीशो मीशो था, बवाना बवाना बवाना, मालिक मालिक मालिक, ही वाज एलिंग, वह जोर से चिल्ला रहा था, फ्रॉम समवेयर, अब फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ये बता रहा है किसी प्लेस को, फ्रॉम समवेयर कहीं से, बिहाइंड द हाउस घर के पीछे से वो चिल्ला रहा था, क्या बोल रहा था, सिम्बा शेर, लायन बवाना मालिक, शेर सिम्बा लायन, ऑल थ्री ऑफ अस हम तीनों, ऑल थ्री ऑफ अस हम तीनों, लिप लिफ्ट उछल पड़े, लिप एल ई ए पी होता है इसका भीवन, लिफ्ट उछल पड़े टू आवर फिट अपने पैरों में उछल पड़े, पैरों से उछल पड़े, एंड द नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण मीशो केम, मीशो क्या किया, आया, कैसा आया, बता रहा है टीयरिंग रोते हुए आया, राउंड द कॉर्नर टू द हाउस घर के कॉर्नर से रोते हुए वह आया, एलिंग देख चिल्ला रहा था एट अस हमें देख करके चिल्ला रहा था, इन स्वाहिली स्वाहिली में देख करके चिल रहा था, कम क्विक जल्दी आओ बवाना मालिक, कम क्विक जल्दी आओ, कम मने वर्ब और क्विक मने जल्दी एडवर्ब, ए ह्यूज लायन, लायन तो है मेरा नाउन, तो कैसा है नाउन को जो क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ए ह्यूज विशाल बड़ा सा लायन हैज कॉट, हैज प्लस भी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैज कॉट पकड़ लिया है किसको, कुक्स वाइफ कुक की पत्नी को पकड़ लिया है,